हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट एंड आल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। टुडे वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th 27th क्वेश्चन है। ए बाई एक्स माइनस बी बाई वाई इक्वल टू जीरो एंड ए बी स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए स्क्वायर बी अपॉन वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, सोल्यूशन फाइंड करना है। दैट मीन्स यहाँ पे हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हम एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो ये ए बाई एक्स है। अगर यहाँ पे हम सोल्यूशन फर्स्ट क्या है, ए बाई एक्स है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू वन बाई एक्स। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बाई एक्स आ जाएगा, तो यानी वन बाई एक्स को हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो लेट वन बाई एक्स, और यहाँ पे भी वन बाई एक्स है। अगर हम यहाँ पे देखें ए बी स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर इंटू वन करेंगे तो अपॉन एक्स आ जाएगा, यानी यही आ गया। इसमें भी क्या है, वन बाई एक्स है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, लेट वन बाई एक्स इक्वल टू बी मान लेते हैं। और उसी तरीके से बी बाई वाई में क्या है, बी इंटू वन बाई वाई है, और इसमें भी ए स्क्वायर बी इंटू वन बाई वाई है, तो यहाँ से वन बाई वाई को हम लेट कर लेंगे। तो लेट वन बाई वाई इक्वल टू हम यहाँ पे मान लेंगे व्यू यू। अब हमारा इक्वेशन क्या फॉर्म होगा, वन बाई एक्स को हमने क्या मान लिया, वी मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा ए, और वन बाई एक्स की प्लेस पे क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, यानी ए वी आ गया। ए वी माइनस वन बाई वाई को हमने क्या माना है, यू माना है, तो यानी माइनस वी यू इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे ए बी स्क्वायर वन बाई एक्स को हमने वी माना है, तो यानी ए बी स्क्वायर वी प्लस ए स्क्वायर बी यू इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा और ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हम किसी भी इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके एक वेरिएबल है जो उसके कांस्टेंट को हम सेम करते हैं। अगर यहाँ पे हम वी वेरिएबल को लेते हैं तो यहाँ पे क्या ए वी है और यहाँ पे ए बी स्क्वायर है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी ए है। अगर इसमें हम बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वी वेरिएबल का जो कांस्टेंट है वो सेम हो जाएगा। यानी अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, नीचे ए बी स्क्वायर है, दोनों का वेरिएबल कांस्टेंट सेम हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई, किससे करेंगे, बी स्क्वायर से। किस इक्वेशन में करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर वी माइनस, इसमें भी हो जाएगा तो बी स्क्वायर और बी, तो यानी बी क्यू यू इक्वल टू ज़ीरो इंटू बी स्क्वायर करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा। जीरो में किसी से भी चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आएगा। अब यहाँ पे ये क्या है, इसको एज इट इज़ लिख देंगे हम, ए बी स्क्वायर वी प्लस ए स्क्वायर बी यू इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हमें कैंसिल करना है तो माइनस कर देंगे, और माइनस करने पर सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया। और यहाँ पे क्या बचा, माइनस ए स्क्वायर बी यू और ये माइनस बी क्यूब यू इक्वल टू, यहाँ पे बच जाएगा माइनस ए स्क्वायर, और इसका भी साइन चेंज होगा तो ये भी हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, यू यू, दोनों में बी यू है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी यू को कॉमन कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा, हमने b को कॉमन लिया, यहाँ पे थ्री है, थ्री माइनस वन करेंगे यानी बी स्क्वायर बचेगा, तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए था, हमें x और y की वैल्यू चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे किससे इक्वेट किया है, अगर हमें v और u की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करें, u की वैल्यू, और यहाँ पे u है तो यहाँ से हम u की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, u इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई में साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी बी मल्टीप्लाई माइनस ए स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में भी वही है, तो यानी कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, यू इक्वल टू ये बी है यहाँ पे बच्चा, यानी वन बाय बी। तो हमारे पास u की वैल्यू कितनी आ गई, वन बाई वी बी आ गई। हमने u को किससे इक्वेट किया था, वन बाई वाई इक्वल टू यू। अगर हम यहाँ पे u के प्लेस पे इस वैल्यू को लिख देंगे तो वन बाई बी, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b आ जाएगी। अब ये हमारा एक y मिल गया हमें, y इक्वल टू बी।
अब हमें क्या फाइंड करना है, यक्स फाइंड करना है। तो यक्स फाइंड करने के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, वी की वैल्यू चाहिए। अब वी की वैल्यू हम इन दोनों इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। हमें इन दोनों इक्वेशन से यू की वैल्यू 1/b मिली थी। अगर हम किसी भी दोनों इक्वेशन में, किसी भी एक इक्वेशन में अगर हम u इक्वल टू 1/b रखेंगे तो वहाँ से हमें v की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लेते हैं और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, u की वैल्यू पुट करेंगे। किस इक्वेशन में करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट हमारा है av - bu इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे a v - b की वैल्यू कितनी आई है, इंटू 1/b आई है इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से b से b कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा क्या, av - 1 बचेगा इक्वल टू ज़ीरो। av = -1 इस साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा। और यहाँ से हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, v की। तो यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी 1/a। ये हमारी v की वैल्यू आ गई। और हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू, और हमने तब यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। हमने v से इक्वेट किया था और हमें v की वैल्यू फाइंड हो गई 1/a। अगर इसको यहाँ पे रख देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। हमने इक्वेट किया था 1/x इक्वल टू v, और यहाँ से हमें x की v की वैल्यू मिल गई 1/a। तो यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वल टू a। तो इस तरीके से हमें सोल्यूशन हमारा मिल जाता है x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b। तो सोल्यूशन कंप्लीट होता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू।